फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी भारती। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पेनक्रियास। जैसा कि हमने अपने एक लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था, एक प्रॉपर सीरीज में हम डिस्कस करते आ रहे थे हॉर्मोन्स के बारे में। बेसिकली हमने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में स्टडी किया था, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमने स्टडी किया था, जिसमें हमने पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के बारे में स्टडी किया, थायरॉयड ग्लैंड्स के बारे में स्टडी किया, उनकी सिंथेसिस कैसे होती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, थायराइड ग्लैंड की प्रिपरेशन क्या क्या होती है, और उसके बाद हमने स्टडी किया था एंटी थायराइड ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। और इसी सीरीज में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स के बारे में भी स्टडी किया था। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप में से किसी ने भी मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टडी भारती को, और चैनल पे जाके हमारी ये सारी वीडियोस जरूर देखें। चलिए आज का हम देखते हैं पेनक्रियास के बारे में कि पेनक्रियास क्या होती है। पेनक्रियास क्या होती है? इट इज एन ग्लैंडुलर ऑर्गन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स। ये क्या है? ग्लैंडुलर ऑर्गन है, मतलब ग्लैंडुलर ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जिसका काम होता है सिक्रीशन करना। आप जानते ही हैं दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं वो जिनके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है, जो सिक्रीशन करते हैं और डायरेक्टली डक्ट के थ्रू अपनी पर्टिकुलर साइट पे जाती है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं और जो डायरेक्ट सर्कुलेशन के अंदर जाते हैं और अपना पर्टिकुलर जो भी एक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। हमारा जो पेनक्रियाज है ये क्या है? ग्लैंडुलर ऑर्गन है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों के लिए ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसकी जो लोकेशन है ये कहां पे प्रेजेंट होता है? दैट लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक इन द अपर लेफ्ट एब्डोमेन, यानी कि जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है अपर लेफ्ट साइड के अंदर ये प्रेजेंट होता है, जस्ट बिहाइंड द स्टमक। मैं कहूंगा थोड़ा सा स्टमक के नीचे पीछे की साइड हमारे पेनक्रियास प्रेजेंट होती है। ये स्पॉन्जी होते हैं, इसकी जो लेंथ होती है 10 इंच तक होती है और इट शेप लाइक ए फ्लैट पियर और फिश लाइक शेप होती है दैट एक्सटेंडेड हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द एब्डोमेन। तो ये क्या करती है? हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड होती है, जस्ट लाइक एक फिश की तरह जो इसकी नोब है वो एक्सटेंड होती रहती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड मैं आपको पहले ही बता चुका हूं हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारा एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही सिक्रीट करता है, इसीलिए हम इसको माफ कीजिएगा हिट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज हिट्रोक्राइन ग्लैंड। हिट्रोक्राइन ग्लैंड में अगर हम बात करें हॉर्मोन्स की, तो हॉर्मोन सिक्रीशन के लिए कौन सा ग्लैंड होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि पेनक्रियास कंटेन्स एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन बोथ पार्ट। तो जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वहां से जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं लाइक इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। इट ऑल्सो कंटेन पेनक्रियाटिक जूस लाइक डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होती हैं, जिनका काम प्रोटीन की डाइजेशन के लिए होता है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जिनको हम बोलते हैं, वो भी सिक्रीट यहीं से होती हैं और वो होती हैं एक्सोक्राइन पार्ट से, ठीक है। तो दो टाइप के ग्लैंड्स हो गए, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। अब आगे देखते हैं एक्सोक्राइन पोर्शन। एक्सोक्राइन पोर्शन में दो टाइप के सेल्स होते हैं इसमें, एक होता है डक्ट सेल जिनका काम होता है एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का, दूसरे होते हैं एक्विनार सेल्स। एक्विनार सेल्स बेसिकली सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। उसके बाद एंडोक्राइन पोर्शन की बात करेंगे, दैट कंटेन्स आइलेट्स ऑफ लाइंग्रेंस विच हैज फोर टाइप ऑफ सेल्स। एंडोक्राइन ग्लैंड पोर्शन के अंदर इसके फोर टाइप्स के सेल्स होते हैं, मोस्टली जो प्लस वन प्लस टू के जो स्टूडेंट्स हैं वहां तक सिर्फ थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स स्टडी किए जाते हैं, हमारी एनसीईआरटी में भी थ्री टाइप्स के हैं, लेकिन जब हम फर्दर स्टडीज के लिए जाते हैं मेडिकल साइंस के अंदर तो पता चलता है ये फोर टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है अल्फा सेल्स, सेकेंड वन इज बीटा सेल, थर्ड वन इज डेल्टा सेल एंड फोर्थ वन इज एफ सेल्स, एफ सेल्स, यस, ठीक है। तो ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, जिसमें देखिए हाइपोथैलेमस जो है सबसे ज्यादा मतलब कंट्रोल जो करता है हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स को, मोस्टली ऑर्गन्स को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंडोक्राइन सिस्टम की वो हाइपोथैलेमस की होती है। उसके बाद हमने स्टडी किया थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, अब हम स्टडी कर रहे हैं पेनक्रियास। देखिए ये लोकेशन है हमारी पेनक्रियास की, जस्ट बिहाइंड द स्टमक लोअर लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी में होती है, अपर साइड पे जो होती है, ठीक है। तो ये पेनक्रियास है।
तो थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं, तो देखिए स्टमक से एक जो आती है हमारी डियोडेनम से स्टमक हमारा कनेक्ट होता है, और ऊपर से ये गॉल ब्लैडर से, और यहां से क्या आ रही है बाइल डक्ट आ रही है लीवर से, ठीक है। यहां से हिपेटिक डक्ट आ गई और ये होगी बाइल डक्ट, जिसको सिस्टिक डक्ट भी कहते हैं, और ये होगी हमारी बाइल डक्ट। अब जो ड्योडेनम है, हमारा जो फूड है वो स्टमक से ड्योडेनम में आता है, तो हमारी पेनक्रियास, देखिए ये हमारी पेनक्रियास है, जिसके अंदर से जो असेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट है, एक डक्ट डायरेक्टली एब्डोमेन ड्योडेनम में कनेक्टेड है, और दूसरी जो डक्ट है हमारी कॉमन जो बाइल डक्ट होती है वहां पे कनेक्ट होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर वो ड्योडेनम में जाती है, जिसको हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला भी कहते हैं, या फिर स्पिंचर भी कहते हैं इसको, ठीक है। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा, बहुत ही इजी डायग्राम है। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस तरह के डायग्राम्स जो है सिलेक्ट किए हैं, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इंक्रीज हो। देखिए ये दो डक्ट हैं, इनका सबसे ज्यादा रोल क्या, देखिए ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स क्या करते हैं सिक्रीशन करते हैं, सिक्रीट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहां से सिक्रीशन होके जो एक्सोक्राइन जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स है वो हमारी ड्यूटेनम में जाती हैं, और एंडोक्राइन जो होती हैं वो कहाँ जाती हैं, डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जाती हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारे पेनक्रियास का ये जो डक्ट पोर्शन है, ये वाला जो पार्ट है, इसको थोड़ा सा और जूम किया तो देखो ये जो है सेंटर, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं एंडोक्राइन सेल, जिसको हम पेनक्रियाटिक आइलेट्स भी कहते हैं, और इसके आउटर पोर्शन पे प्रेजेंट होते हैं ये पेनक्रियाटिक एक्निनी एक्सोक्राइन सेल, जिनको कहते हैं, और ये होती है पेनक्रियाटिक डक्ट। देखिए पेनक्रियाटिक डक्ट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट होती है, किससे कनेक्ट होती है, हमारी एक्निनर सेल से कनेक्टेड होती है। थोड़ा सा और टॉप व्यू देखते हैं, देखिए ये है साइड व्यू, अगर हम टॉप व्यू देखते हैं तो देखिए ये क्या है हमारा पेनक्रियाटिक आइलेट्स है, जिसके अंदर अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स होते हैं, और उसके सराउंडिंग में हमारी क्या प्रेजेंट है एक्सोक्राइन सेल्स हैं, ये एक्सोक्राइन सेल्स हैं, जिसको कहते हैं एक्निनर सेल्स और डक्ट सेल्स। देखिए ये डक्ट हमारी निकल रही थी, और ये जो थी हमारी, ये क्या थी हमारी एक्निनर सेल्स थी, जो पेनक्रियाटिक आइलेट्स के सराउंडिंग्स में थी, तो ये वही है। अब इसके अंदर एक्सोक्राइन पेनक्रियास देखें तो ये एक्निनर सेल्स होते हैं और डक्ट सेल्स होते हैं, जस्ट डक्ट सेल्स जस्ट बिहाइंड होते हैं इसके, तो हम उसका व्यू हम यहां से नहीं बता सकते, ठीक है। सबसे पहले अल्फा सेल्स, देखिए ये कॉर्नर्स पर जो होते हैं हमेशा बाउंड्रीज पर हमारे अल्फा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स हमारे नंबर में ज्यादा होते हैं और बहुत एक वास्ट उनका वो होता है, ठीक है। और उसके बाद डेल्टा सेल्स, डेल्टा सेल्स का नंबर भी क्या होता है कम होता है, ठीक है। तो हम आगे बताएंगे इनकी फंक्शनिंग भी कैसी होती है। उसके बाद कंट्रोल कैसा होता है, हमारी हार्मोनल रेगुलेशन कैसी होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अल्फा सेल जो है वो सिक्रीट करते हैं ग्लूकागोन, बीटा सेल सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, डेल्टा सेल सिक्रीट करते हैं सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। तो अब ये है हमारा हाइपोथैलेमस पोर्शन। हाइपोथैलेमस में यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको और अच्छे से समझाने के लिए दो सिस्टम्स के अलग अलग पाथवे दिखाए हैं, सिंपथेटिक और पैरा सिंपथेटिक। देखिए सिंपथेटिक सिस्टम क्या होता है, सिंपथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होता है, यानी कि एड्रिनलिन जब बॉडी में रिलीज होता है, तो हम फियर फाइट और फ्लाइट के टाइम पे वो रिलीज होता है। इट मीन्स जब बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है तो वो सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो उस सिनेरियो के अंदर जब बॉडी को एनर्जी चाहिए तो बॉडी को ग्लूकोज भी ज्यादा चाहिए, तो बॉडी को ग्लूकोज कहां से मिलेगी, बॉडी को ग्लूकोज मिलेगी जब ग्लूकागोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो वो कहां पे करेगा, अल्फा सेल्स पे। तो जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है तो हाइपोथैलेमस हमारा सिंपथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे क्या होता है अल्फा सेल्स जो होते हैं, अल्फा सेल्स ग्लूकागोन का रिलीज करते हैं, अल्फा सेल्स ग्लूकागोन का रिलीज करते हैं। ग्लूकागोन का रिलीज होगा वो क्या करेगा, ग्लूको जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ताकि बॉडी के अंदर जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके, ठीक है। और उसी के साथ साथ वो बीटा सेल्स, यानी कि बीटा सेल्स क्या करते हैं इंसुलिन का रिलीज करते हैं, तो बीटा सेल्स जो है हमारी इंसुलिन का रिलीज करते हैं, और इंसुलिन क्या करता है ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। तो यहाँ पे हमारा जो कोलिनर्जिक सिस्टम है, एड्रिनर्जिक और नोर एड्रिनर्जिक सिस्टम जो है, वो यहाँ पे इंसुलिन को सप्रेस कर देगा, बीटा सेल्स के
अंदर इंसुलिन के रिलीज को सप्रेस कर देगा, यानी कि इनहिबिट कर देगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज ब्लड के अंदर अवेलेबल हो, ताकि बॉडी की जो नीड है वो फुलफिल हो सके। लेकिन जब पैरासिंपथेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ग्लूकोज की स्टोरेज की, ग्लूकोज की स्टोरेज की, ग्लूकोज की जो प्लाज्मा ग्लूकोज के लेवल है उनको कम करने की हम बात करते हैं। तो यहां पर सेम पेनक्रिएट, यहां से जो है हमारा पैरासिंपथेटिक सिस्टम हाइपोथैलेमस एक्टिवेट कर देता है, और उस एक्टिवेशन का असर अल्फा सेल और बीटा सेल्स दोनों पर होता है। बीटा सेल से इंसुलिन का रिलीज ज्यादा होता है, इंसुलिन का रिलीज ज्यादा होता है तो उससे क्या होगा, हमारा जो प्लाज्मा ग्लूकोज है उसका लेवल कम हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा जो ग्लूकागोन है उसकी सिक्रीशन को कम करता है, ताकि ग्लूकोज जो है वो एक्सेस में ना बने, एकदम रिवर्स हो जाता है दोनों का ही एक्शन जो होता है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये हार्मोनल रेगुलेशन समझ में आई होगी। मैं थोड़ा सा एक बार समराइज कर देता हूं इसको। देखिए, हाइपोथैलेमस से जब सिंपथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो अल्फा सेल से ग्लूकागोन का रिलीज एनहांस करता है, और बीटा सेल्स जो होती है मेनली यहाँ पे नोरएड्रेनर्जिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, और वो क्या करता है, हमारे इंसुलिन के रिलीज को इनहिबिट कर देता है। और साथ ही में जो हाइपोथैलेमस है हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम या पैरासिंपथेटिक पाथवे को जब एक्टिवेट करता है तो उससे क्या होता है, अल्फा सेल्स जो होती हैं इनहिबिट हो जाती हैं, और बीटा सेल्स जो है उसका रिलीज इंक्रीज हो जाता है। तो उससे क्या होगा, बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाएगा, ग्लूकोज जो है वो स्टोर ज्यादा होगी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं पेनक्रियाटिक एंडोक्राइनल सेल्स की, कि इनका कितना परसेंट जो होता है हमारे पेनक्रियाज में प्रेजेंट होता है, और कितना परसेंट जो है इसका हमारी बॉडी में, और इसका क्या क्या रोल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फा सेल्स, अल्फा सेल्स जो होते हैं 20% प्रेजेंट होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस में, और ये रिलीज करते हैं ग्लूकागोन, और इसका काम क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने का। उसके बाद बीटा सेल्स जो होते हैं, बीटा सेल्स हमारे मैंने पहले भी बताया था 65% जो होते हैं हमारे आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस में प्रेजेंट होते हैं, और इसका काम क्या होता है, इंसुलिन का रिलीज करना और डिक्रीज करना ब्लड ग्लूकोज को, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज कर देता है। एंड थर्ड वन इज डेल्टा सेल्स, डेल्टा सेल्स जो होते हैं 10% होते हैं, और इसका काम होता है सोमेटोस्टेटिन को रिलीज करना। सोमेटोस्टेटिन जो होते हैं वो इनहिबिट कर देते हैं इंसुलिन और ग्लूकागोन की सिक्रीशंस को। सोमेटोस्टेटिन याद रखिएगा, इंसुलिन और ग्लूकागोन की सिक्रीशन को इनहिबिट कर देते हैं। और उसके बाद आते हैं एफ सेल्स, एफ सेल्स जो होते हैं हमारे पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स को रिलीज करते हैं। सो फ्रेंड्स इट्स ऑल अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पेनक्रियाज। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।